वह प्रलेख, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रलेख या डॉक्यूमेंट तथा अन्य ऐतिहासिक सामग्री जिनका हमें डॉक्यूमेंटल रूप में हमारे पास मिलता है। ठीक, तो अब डॉक्यूमेंट्स में जब हम जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है बताइए। देखिए, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स जो होता है कागज़ रूप में अवेलेबल है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स जो आपके शिलालेख हैं, शिलालेख पर, शिला पर जो एडिक्ट किया हुआ, लिखा हुआ है, और पांडुलिपि में भी है। बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स आपका सिक्का से भी बहुत सारी बातें निकल के सामने आती हैं, सिक्का से भी ऐतिहासिक काल और समय काल परिस्थिति का पता चल जाता है। इसके साथ साथ आप और भी जो बहुत सारा सामग्री है, हाँ, तो यहाँ हम या फिर खुदाई से, जैसे भूवैज्ञानिक लोग खुदाई किए थे, तो खुदाई के बाद ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हैं कि आप लोग सोच करके अभी अचंभित रह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या फिर जो डॉक्यूमेंटल चीज़ वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग जानते हैं, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उस समय की सामाजिक, आर्थिक, सोशल जो भी चीज़ है, तो ये डॉक्यूमेंटल प्रूफ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट्स के थ्रू सेकेंड सोर्स क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मिला है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मिला है उसका ऐतिहासिक, इतिहास का जो हिस्टोरियन है वो अपने अपने ढंग से उसका विश्लेषण किए हैं, एनालिसिस किए हैं, एनालिसिस किए हैं, तब तो वो डॉक्यूमेंट्स को एक प्रूफ, एक बुक्स के सेफ में या फिर एक जनरल में या जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी शोधार्थी हैं जो अध्ययन कर रहे हैं, तो एक डॉक्यूमेंट्स को एक प्रूफ कैसे मानते हैं कि उसके आधार पे उन्होंने कुछ जो लिखा है आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, तो वह जो एनालिसिस है वह भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्सेज के रूप में आता है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स में सारा चीज़ आ गया। जब एनालिसिस करता है लोग तो उसमें देखिए दो तरह के एनालिसिस होता है। एक होता है सांस्कृतिक इतिहास जो लिखा गया है कल्चरली, चूँकि भारतीय परंपरा आप लोग जानते हैं कि काफ़ी कल्चरली रिच रहा है, और शुरू से जो कल्चर यहाँ है, इवन कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सबका अपना 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 कल्चर हो गया है। इवन कि नॉर्थ में भी देखिएगा कि एक जगह का कुछ अलग कल्चर है, दूसरी जगह का अलग कल्चर है। कल्चर मतलब वेशभूषा, खान पान सिर्फ उतना ही तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके बियॉन्ड की भी बात है, उसका रहन सहन, उसके सोच, उसकी पद्धति, उसका समाज पर इफेक्ट, तो इन सारी चीज़ों को आप उसमें, अरे हम एडमिट करते रह जाए क्या अभी, तो हो गए सब लोग जुड़ गए कि और भी लोग आने वाले हैं। अरे ठीक है, वहीं बैठो, हम इतना हाथ देख लेते हैं, थोड़ा सा ये हो जाता है ना बीच में। दूसरी बात जो आती है क्या है, एनालिसिस, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट एक में आता है कि आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ है, डॉक्यूमेंट्स भी है, उसका एनालिसिस चीज़ भी मिला हुआ है, तो सोर्स में जब तक आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन मतलब एक निरीक्षण की भूमिका, निरीक्षण किसको कहते हैं, आप सीधे चलते फिरते बहुत सारी चीज़ें देखते हैं आसपास, उस पर तो आपका कोई निरीक्षण नहीं होता है। निरीक्षण मतलब आप गहनता के साथ एक डीप सूक्ष्म विवेचन जब आप करते हैं किसी चीज़ का, जो निरीक्षण हम कैसे करते हैं, अब मान लीजिए कॉपी है, किताब है, टेबल है, बेंच है, इसका हम निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर सूक्ष्मता से विवेचन कीजिए इसी टेबल का, जो क्या है, हाँ आ जाइए, तो इस सूक्ष्मता से जब हम विवेचन करते हैं, मान लीजिए लकड़ी का टेबल है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इस लकड़ी के टेबल की जब सूक्ष्मता से विवेचन करते हैं तो कहते हैं क्या है ये लकड़ी, आखिर यह किस रूप में है, क्या यह एटम है, क्या यह एटम है, अणु है, या बहुत सारे अणुओं का संघात है। मैं थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि इसको तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, टुकड़ा टुकड़ा होते जाएगा, तो क्या होगा, लास्ट में कुछ ना कुछ एटम बचेगा। जब आप बुद्धिज्म पढ़ते हैं जो भी लोग, तो बुद्धिज्म में जानते हैं कि दो तरह की विचारधारा भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद दो तरह की विचारधारा निकल गया, एक था स्थविरवादी और दूसरा था महासांघिक। तो स्थविरवादी आगे चल करके फिर सर्वास्तिवादी, और स्थविरवादी की मूल फिलॉसफी लगभग एक ही थी लेकिन लिटरली रूप से अलग था, एक कुछ संस्कृत पर बेस्ड था सर्वास्तिवादी। तो ये लोग कहते थे सर्वास्ति में तो सर्वम अस्ति, ऑल थिंग्स एग्जिस्ट,
तो क्यों कहते थे? क्यों? क्योंकि अब देखते हैं सर्वास्तिवाद में कि जो अभी एटम की बात की, कोई भी कोई ना कोई सूक्ष्म रूप में जरूर उसका एग्जिस्ट रहता है, अस्तित्व रहता है, इसलिए वह एग्जिस्टेंस की बात करते हैं सर्वास्तिवाद में। तो अलग विषय है, उसमें हमको नहीं जाना है। हमारा कहने का आशय यह है, हाँ, जब हम निरीक्षण करते हैं, जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन में बहुत मेन रोल होता है किसी को भी एक निरीक्षक के रूप में, जब आप तथ्यों को सामने, आपके सामने प्रस्तुत होता है। जैसे एक आप इतिहासकार हैं, बहुत सारे जो आपके ट्रेवलर हैं, चाइनीज़ ट्रेवलर जो इंडिया आए, इंसान इत सिंह है और फाहियान है, फिर आपके साथ, इसके साथ साथ मेगास्थनीज आए, उन्होंने जो अपने डॉक्यूमेंटल जो प्रूफ दिया है, तो सीधे सीधे तो आप नहीं ले लेते हैं सारा का सारा। आपको उसमें जो ज़रूरत है, आपकी मान लीजिए सोशल चीज़ की ज़रूरत है, तो समाज से रिलेटेड जो बातें कही गई हैं उसकी ही, उस पर ही आपका फोकस रहेगा। या अर्थ से रिलेटेड कोई चीज़ कहा गया है, इकोनॉमिक से रिलेटेड, तो फिर आपका फोकस उस पर रहेगा। या ये रिलीजन को लेकर के कुछ कहा गया है, तो उस पर फोकस रहेगा। ह्वेनसांग ने जो नालंदा के आचार्यों के बारे में जो वर्णन किया है कि किस प्रकार का वाद विवाद है, किस तरह का डिस्कशन होता था बौद्ध वेदांत और न्याय परंपरा के बीच आपस में एक दूसरे से, तो उन चीज़ों को जब हम जानने का कोशिश करेंगे तो हमारा निरीक्षण का दृष्टिकोण ऐसा होगा। तो एक निरीक्षण भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एक होता है अनियंत्रित निरीक्षण, एक होता है नियंत्रित निरीक्षण जिसको बोलें। तो हमारा फोकस नियंत्रित निरीक्षण पे, ऑब्जर्वेशन मेरा काफ़ी इम्पोर्टेंस एक टूल्स का काम करता है। तब जा करके आपके पास उस समझ डेवलप होगा। तो सोर्सेज में तीन तरह का सोर्सेज इम्पोर्टेंट हो गया। पहला क्या हो गया? डॉक्यूमेंट्स, जो प्रलेख है, जो अन्य ऐतिहासिक सामग्री जो आपको मिल रहा है। एक लाइन लिख लीजिए, सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल डाटा में, सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल डाटा में एक एक लाइन लिख लीजिए। तीन तरह का हो गया, तीन तरह का सोर्स। नंबर वन, वह प्रलेख या डॉक्यूमेंट्स, ब्रैकेट में डॉक्यूमेंट्स लिख लीजिए, तथा ऐतिहासिक सामग्री जिन तक की स्वयं इतिहासकार की पहुंच है, इतिहासकार की पहुंच है। सेकंड क्या हो गया? ऐतिहासिक सामग्री जिन तक की स्वयं इतिहासकार की पहुंच है। सेकंड नंबर हो गया कि सांस्कृतिक इतिहास तथा विश्लेषणात्मक इतिहास, इट मीन्स कि एनालिटिकल हिस्ट्री की सामग्री, सांस्कृतिक इतिहास तथा विश्लेषणात्मक इतिहास की सामग्री। नंबर थर्ड हो गया विश्वसनीय निरीक्षकों, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर तथा गवाहों की व्यक्तिगत सूचनाएं, देखिए यहाँ विश्वसनीय वर्ड जुड़ा हुआ है। विश्वसनीय क्या है? विश्वसनीय मतलब वैसा वचन जो भी, जो लिखे गए हैं, जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट्स लिखा गया है, जो प्रूफ दिया गया है। विश्वसनीय जब हम कहते हैं तो उसके साथ एक दो चीज़ और ध्यान रखिएगा। एक चीज़ को कि थोड़ा सा अलग हम बता रहे हैं कि जब आप रिलायबल कहते हैं तो हिंदी में जो आप पढ़ते हैं या जो फिलॉसफी के छात्र हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को। आप्त वचन बोला जाता है ना, आप्त वचन। तो आप्त वचन के आधार पर ही शब्द को भी प्रमाण माना जाता है। जैसे बुद्ध जो वचन दिए हैं, महावीर ने अपने मुख से जो वचन दिया, उसके बाद बहुत सारे जो पहुँचे आचार्य हैं, महात्मा हैं, जो भी उस तरह के आचार्य, आजकल के महात्मा वाली बात नहीं कर रहे हैं, मतलब उस समय के जो स्थिति रहा है, जो आचार्य रहे हैं, जैसे कनाद ऋषि ही हैं, कपिल मुनि ही रहे हैं, या फिर जो न्याय के गौतम ही रहे हैं, या शंकराचार्य रहे हैं, रामानुजाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, विशिष्टाद्वैताचार्य, जो अपना अपना जो सिद्धांत चलाया, तो लोग महान गहन एक मिनट से, हाँ पूजा अभी क्लास में है, 3:30 के बाद मिलना, ठीक है? हाँ 3:30 के बाद कमरे में जमा कर देना। तो देखिए यहाँ पे जो भी आप्त वचन जब भी हम कहते हैं तो हमारा एक और चीज़ निकल के आता है, जिसे ऋग वैदिक इतिहास हम जानते हैं,
उत्तर वैदिक इतिहास हमारे समक्ष जो भी वेद वेद कहा जाता है कि यह आप तो पुरुषों द्वारा कहा गया, लिखित रूप में नहीं बताया गया कि कौन पार्टिकुलर कौन आदमी लिखा हुआ है। तो यह आप्त वचन जो है उस सेंस में आप्त वचन था एक फिलोसफी के सेंस में, लेकिन यहाँ पर जब हम हिस्टोरिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ भी हम विश्वसनीय ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं। विश्वसनीय ऑब्जर्वर इट मीन्स कि हम यह प्रूफ कर चुके हैं कि उन्होंने जो भी बातें कही हैं, चाहे वह फेनसांग हो, इत्सिंग हो, फाइयान हो, या फिर मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे और भी लोग होंगे, मेगास्थनीज हैं जिनकी इंडिका है, तो इस तरह विश्वसनीय व्यक्तियों का जो प्रलेख है, तो उसी बात को मैं यहाँ जोड़ दे रहा हूँ कि विश्वसनीय निरीक्षकों तथा गवाहों की व्यक्तिगत सूचनाएं भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स के रूप में हमारे पास आता है। ठीक है, अब इसको आप लोग अपने ढंग से एनालिसिस कर लीजिएगा। मुख्य रूप से सोर्सेज में यही होता है, आप लोग हिस्ट्री के जो छात्र हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, जो प्राचीन ग्रंथ में जो बहुत सारा खुदाई हुआ है उससे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, आपके स्कल्पचर है, बहुत सारा भवन है, एक एक जगह पे आप जाइएगा तो आप लोग थोड़ा सा मूव भी कीजिए तो थोड़ा सीखने का कोशिश कीजिए। आपके पास में ही नालंदा महाविहार है, कितने लोग गए हैं, सब लोग गए ही होंगे लगभग, लेकिन क्या क्या ऑब्जर्व किए हैं, नहीं गए हैं, आश्चर्य की बात है। किस संत किस खोज में लगे हुए हैं, है? कितना दिन हुआ नालंदा आए हुए, नहीं 1 महीने ज़्यादा हम देख रहे हैं, 2 महीने, नालंदा नालंदा रुइंस नहीं गए हैं सर, मैं चौथी बार, क्या क्या खोजे हैं चौथी बार बताइए, क्या क्या चीज़ देखे हैं, क्या कुछ नया कुछ दिखा, अच्छा तो 4 बार गए हैं तो कुछ विशेष बताइएगा, इसलिए हम आपसे पूछे हैं। चलिए नीचे गड्ढा है, अरे यार इस तरह की चीज, थोड़ा डीप पढ़िए, नालंदा बहुत पवित्र जगह पे आप लोग हैं और इसकी पवित्रता को ऐसे मत आप लोग खराब कीजिए। पुस्तकालय में जाइए, नालंदा पे अलग अलग ढेर सारा किताब है, अलग से लिखा हुआ है, फोटो स्टेट कॉपी मिल जाएगा, थोड़ा सा पढ़िए उस चीज़ को, जानिए, अभी उसका कक्षा नहीं है, नहीं तो फिर उसमें हम डिटेल्स करते। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ आपको वहाँ दिख रहा है उसको सूक्ष्मता से देखना है, उसकी गहराई में जाना है, उसका अध्ययन, तभी आप मौलिकता आप में आ पाएगी। सीधे एक किताब कोई पढ़ लिए या हम मान लीजिए सर कुछ बता के चले गए उसी आधार में, हम नहीं, हमारा काम है कि सर तो सुन लिए जो भी बात है, अपना काम है कि कुछ और हम उसमें और निखार लाएं। उस सेम हर पार्टिकुलर हर एक आदमी के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हम स्वयं उस चीज़ को लेखें, हम उस स्थिति में पहुँचे कि भाई हम वहाँ तक पहुँच पाए। अब देखिए यह तो सोर्सेज हो गया, इसमें कुछ सावधानी बताना चाहेंगे कि पद्धति जब आप उपयोग करते हैं तो जो आप सावधानी या स्टेप लेते हैं, स्टेप्स इन अप्लाइंग द मेथड्स क्या होता है, स्टेप्स कौन कौन से स्टेप लेकर के आप अप्लाई करते हैं, स्टेप्स ले समझिए कि सबसे पहले कोई भी रिसर्च जो आप करते हैं, जो हिस्टोरिकल या जो भी रिसर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि समस्या का चुनाव करते हैं, प्रॉब्लम्स पहले आप क्या करते हैं, किसी चीज़ का प्रॉब्लम है तब तो उसका सॉल्यूशन खोजने का प्रयास करेंगे ना, ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है इसमें, मान लीजिए मोबाइल या कोई भी चीज़ है उसमें ऑलरेडी सारा डाटा फिट है, फिर दोबारा आप इसमें डाटा फिट करेंगे, नहीं करेंगे, जो चीज़ अवेलेबल है उसमें कुछ नयापन लाना चाहिए ना, तो नयापन तब आएगा जब आप सोचेंगे कि नहीं इसमें कुछ समस्या है, यहाँ कुछ और क्लियरिटी होना चाहिए, मोर क्लियरिटी, तो उस क्लियरिटी की भाव से जब आप काम करते हैं तब क्या होता है, सबसे पहले समस्या का चुनाव करें, तो समस्या के चुनाव को भी 3-4-5 कैटेगरी में जब हम बांटते हैं कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई फिलॉसफी का छात्र है तो फिलॉसफी के विषय की ही चुनाव करेगा, या नहीं कि वह जापनीज लिटरेचर का चुनाव करने चला जाएगा, तो फिलॉसफी में भी एक पार्टिकुलर आपको होना पड़ेगा, और उसमें पार्टिकुलर यहाँ होना पड़ेगा कि जिसमें आपकी गहरी रुचि हो, आपका उसमें
विशेष करके आपकी भूमिका ऐसी होनी चाहिए, गहन अध्ययन तभी होगा जब आपकी विशेष रुचि उसमें होगा, तभी आप अपने परिश्रम से या उसमें लगन से या अपना पूरा फुल फोर्स लगा सकते हैं। एक दिन और हम क्लास में चर्चा किए थे इस बात का कि गहरी रुचि का होना बहुत ही आवश्यक है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी अध्ययन जब आप कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपका पूर्व ज्ञान होना चाहिए, प्राइमरी कुछ नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बुद्धिज्म के क्षेत्र में ही हम काम कर रहे हैं तो बुद्धिज्म के रिलेटेड बुद्धिस्ट के हिस्ट्री है, बुद्धिस्ट के लिटरेचर है, बुद्धिस्ट का फिलॉसफी है, बुद्धिस्ट का जो जो पार्ट है उसके बारे में हमारी प्रारंभिक जानकारी इतनी होनी चाहिए कि हम उस क्षेत्र में रिसर्च करने के योग्य हो जाए। तो पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। पहला चीज़ क्या है, रुचि होना चाहिए, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकंड चीज़ क्या हुआ कि आपका उसमें प्रायर नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर के उसके बीच आप काम कर पाएंगे। थर्ड चीज़ की उसमें जो बताया जा रहा है क्या है कि ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा विद्वता दिखाने के चक्कर में कुछ ऐसी बातों को आप ले लिए कि पता चले कि उसको समेटने में ही पूरा समय निकल गया। सर मोर एक्सटेंशन, एक साल का एक्सटेंशन, फिर एक्सटेंशन, फिर एक्सटेंशन, पता चले कि आप यूनिवर्सिटी के बाहर। तो ऐसा भी काम मत ले लीजिए हाथ में कि उसको समेटना मुश्किल हो जाए, ठीक ना। तो समेटना कहने का आशय ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं अध्ययन विषय की साधन सीमा के अंतर्गत ही रहना आवश्यक है। सब चीज़ का लिमिटेशंस है, सब लोग का एज का भी लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं है कि अभी जो आप लोग की एनर्जी है, जो फोर्स है, हो सकता है 5 साल बाद कम हो जाए कुछ, नहीं इतना ही बना रहे। हमारा तो शुभकामना है कि एनर्जी लेवल आप लोग का बना रहे, लेकिन हो सकता है कम हो जाए, कुछ और परिस्थिति हो जाए, सामाजिक सांस्कृतिक वैवाहिक परिस्थिति भी होता है आदमी के लाइफ में, वो भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है हर एक के लाइफ में। तो अभी जो भी समय है उसका भरपूर सदुपयोग करते हुए इतनी चीज़ों को इस पर फोकस करें। अभी आप लोग का कोर्स वर्क जैसे समाप्त होगा, अभी एग्ज़ाम होगा एक 2 महीना जो भी है, तो आप लोग का मेन प्रायोरिटी होना चाहिए कि हमारा विषय पिन पॉइंटेड हो, सूक्ष्म हो, और हम उसमें कितनी गहराई तक जाके अपना काम कर लें। एज ए गुड रिसर्चर ऐसा नहीं कि 400 पेज का हम निबंध लिख दें तो हमारा बहुत अच्छा रिसर्च हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। 100-150 पेज का भी अगर आपका रिसर्च होता है तो वह भी अच्छा होता है। वैसा कहीं दिमाग से निकाल दीजिए जो एनालिसिस करता है, जो चीज़ मूल्यांकन, जो चीज़ देखता है जो एग्जामिनर, कि आपने उसमें सही क्या फाइंडिंग किया है। रामकथा तो बहुत कुछ लिखा जाता है, लिखने चाहिए तो सीधे यहाँ से टिप टाप बहुत सारा चीज़ बहुत तरह की चीज़ों को कर लेता है, लेकिन पेज गिनने का मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि हमारा जो एसेंस है क्या जा रहा है, हमारा इसमें मेन कंट्रीब्यूशन क्या जा रहा है, तो इस पे फोकस होना चाहिए। वो तभी होगा जब आपकी रुचि होगी, गहन समझ होगी, जब आपका उसके समय में संबंध में आपके पास कुछ पहले से नॉलेज होगा, पूर्व ज्ञान होगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि विषय का जब भी आप चुनाव करते हैं, आप लेते हैं, तो उसका यूटिलिटी भी आपको देखना है। यूटिलिटी मतलब क्या, उपयोगिता, कि आखिर हम यह जो सब्जेक्ट ले रहे हैं, जो जो सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, उसका आखिर उपयोग क्या है। ऐसा नहीं कि सीधे लिख दिए लाइब्रेरी में बंद करके रखा जाए। उसका उपयोग तभी है जब उसको आप पब्लिश करवाएंगे, वह रिसर्च के रूप में आप अगर आम जन को जम तक जाए, यह एक बुक फॉर्म में आकर के लोग को हितकारी बने। एक एक बुक है जो लोग पढ़ता है तो एक बार उठाता है तो सोचता है कि कैसे समाप्त हो। तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उसका समाज पे या जिस क्षेत्र के लिए आप काम कर रहे हैं, आप जो भी डाटा इकट्ठा किए हैं, कुछ कोई बहुत सारे लोग का डाटा स्टैटिकल एनालिसिस भी होगा, बहुत सारे लोगों का अपना अपना अलग अलग, तो वह डाटा समाज के लिए यूज़फुल हो, उसका उपयोग हो। तो वह जो यूज़फुल तब होगा तब जबकि आपकी समझ और अपनी सोच से उसमें अच्छे तरीके से आप चीज़ों को देते हैं। सेकेंड जो स्टेप आता है वह है, ध्यान देने वाली बात है कि सब समस्या की बात लागत। लागत मतलब जो भी आप किसी भी काम को करते हैं तो बिना मनी के तो कोई काम होता नहीं है,
यूनिवर्सिटी से पता नहीं कितना मनी मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए, हर एक आदमी जिसके पास एज बचा है चाहे जो चीज़ है, कोशिश ही नहीं पूर्ण कोशिश कीजिए कि आपको UGC GRF ज़रूर मिले। हर एक आदमी प्रयास इस बात के लिए निष्ठा से लग जाइए, और एक बार ही अटेम्प्ट में एक ही होना है तो होना है, मेरा ही होना है, इस सोच करके जब काम कीजिएगा तो उससे क्या होगा, आप मेंटली बर्डन फ्री हो जाइएगा थोड़ा सा। होता क्या है कि बहुत लोग रिलैक्स भी हो जाते हैं और UGC GRF का ज़मीन खरीदने लगते हैं, तो वैसा काम नहीं करना चाहिए। हम लोग आप बता रहे हैं 96 में मेरा GRF हुआ था, 97 में हम ज़मीन भी नहीं लिए, मतलब अपनी बात बता रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग रहते थे। उस समय हम लोग को सबसे पहले 2500 रुपया मिलता था, 2500, बाद में SRF में 2800 होता था, 300 बढ़ता था, 450 रुपया HRA मिलता था, तो कुल मिला के 3400-3500 रुपया बाद में आने लगा। तो उस समय उसका इम्पोर्टेंस था, 96-97 की बात बता रहे, उस समय उसका महत्व तो था, जो 1000 में दिल्ली में हम लोग रह के काम चल जाता था, 500 किराया देते थे, 500 खाने पीने में हो गया, बस बहुत है। तो इतना उस पैसे में भी बहुत सारे लोगों ने हुआ क्या कि संत नगर जानते हुए कि एरिया है उधर, बहुत सारे एरिया जहाँ थोड़ा सस्ता ज़मीन है, तो बहुत सारे लोग क्या किए अपना ज़मीन वमीन ले करके, और आज के डेट में उस ज़मीन का प्रॉपर्टी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हम लोग अफसोस किए कि कुछ काश हम लोग भी ले लिए रहते है? तो उस काम मत लिप्त होइए। यहाँ कहने का मेरा आशय है कि जो भी लागत है, जो लागत आप समय लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, और थोड़ा अपने आप को एक्टिव रखना है, ये नहीं कि GRF मिल गया तो चलो अब आराम से टंगड़ी पर मतलब खाना खा रहे हैं और सो रहे हैं, कुछ सब निकल जा रहा होगा इधर उधर। एक कहने का आशय ये है कि आप लोग की उसमें मौलिकता और बढ़नी चाहिए, और फोकस हो कि लागत हमारा जो भी निकल लग रहा है, चाहे जी समय ही लगे, एनर्जी लगे, संसाधन लगे, तो वो हमारा उपयोग सही में हो। फेलोशिप इसलिए दिया जाता है कि आप उसको सही ढंग से व्यवस्थित तरीके से यूज कर पाए। बहुत सारे लोग फेलोशिप ले करके भी PhD नहीं जमा करते हैं, ऐसे बहुत सारे कहानी हैं। तो ऐसा आप लोग के साथ नहीं हो, आप लोग ज़रूर काम करें। क्या यही सोच रहे हैं क्या फिर? कुछ नहीं, क्या करेगा, एक दो लेटर रिमाइंडर डिपार्टमेंट में आएगा कि इस नाम से ऐसे ऐसे नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, वो आपके पास हो सकता है, अगर ज़्यादा हेड अगर एक्शन लेने वाला हो तो आपके पास आपके जहाँ गृह नगर है वहाँ पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा, आपके घर में जाकर कुर्की जब्ती हो जाएगा, जिसे इतना जमा करो नहीं तो भाई पैसा जमा करो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं, 1% भी हेडशिप या प्रोफेसरशिप में जो आ जाते इस तरह का एक्शन नहीं लेते हैं जनरली, कि भाई इतना घर तक आपके पहुंच गए। हम लोग जहाँ सांची यूनिवर्सिटी में इससे पहले थे, तो 4-5 साल जब वहाँ हम लोग के अंडर खुद बच्चा जो PhD किए कर रहा है, तो 2-3 विदेशी वियतनामी और म्यांमार वाले तो जमा कर लिए, लेकिन एक हैं बिहारी बाबू जानकर हम लोग ले लिए कि भाई चलो तुम लोग, भाई बिहारी नहीं झारखंडी बाबू थे, अब कहे चलो थोड़ा सेंटीमेंट रहता है कि चलो मैंने आ जाओ करना चाह, हालांकि हिस्ट्री से बच्चा है और अब बोलना नहीं चाहिए, बट उसने पूरा 3 साल वहाँ फेलोशिप मिलता है यूनिवर्सिटी में, 14,000 पर मंथ सांची यूनिवर्सिटी में फेलोशिप का है, और 1,000 कंटीजेंसी, 15,000 आपका GRF हो तो नहीं मिलेगा, नहीं हो तो मिलेगा। अब पूरा 3 साल उठाया, अपना बोरिया बिस्तर बांध के चलाया घर पे, उसके बाद ना कोई फ़ोन, ना कोई संपर्क, ना कोई बात, और जब भी फ़ोन कीजिए तो हाँ सर हो रहा है, चल रहा है, चल रहा है, एक आध सज्जन इधर भी घूमते हैं जो MPhil कर रहे हैं, तो सर हो रहा है, हो रहा है, अरे भाई कब होगा, अपना समय पे काम करके काम ख़त्म करो चीज़ों को। तो आप कहने का आशय ये है कि यहाँ पे आपके पास जो लागत है वह एक लिमिट में है, आप घर से ही पैसा ले रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके पास एक लिमिटेशंस है कि आप मनी को लेकर के जो भी मान लीजिए हिस्टोरिकल डाटा आपको इकट्ठा करना है, तो बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, यहाँ के लाइब्रेरी देखिएगा, यहाँ से ज़्यादा थोड़ा सा मनी होगा नहीं थोड़ा और देखिए तो पटना जा करके देखेंगे, पटना से ज़्यादा होगा दिल्ली जा करके देखिएगा, फिर राष्ट्रीय जो आपका यहाँ चले जाइएगा नेशनल आर्काइव है,
यहाँ नेशनल लाइब्रेरी है आपका कहाँ, कलकत्ता में, वहाँ चले जाइएगा। एक आध बहुत ज़्यादा जो रिच होंगे तो हो सकता है कहीं विदेश भी जाकर के सोर्स इकट्ठा करके ले आए, लेकिन उसका भी तो लिमिट होगा ना। नहीं होता है, बहुत लोग का इच्छा होता है कि नहीं चलो हम स्विट्जरलैंड नहीं भले कहीं और जा करके सोर्सेज हमको इकट्ठा करना है, तो ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी है, बहुत सारे कैम्ब्रिज की लाइब्रेरी, हम वहाँ जा करके कुछ ले करके आएँ। हम बहुत मेजर सब तरह की, सबका लिमिट हम लिमिट नहीं जानते कि किसका क्या लिमिट, बहुत लोगों का होता है कि अपना, लेकिन उसके बाद भी तो गार्जियन सोचेगा ना भाई तुम विदेश गए, देश विदेश सब जगह घूम लिए, अब कुछ करके तो दिखाओ। तो उसका यूटिलिटी होना चाहिए। उसका प्रॉपर कहने का मतलब है कि जो भी आप व्यय कर रहे हैं, जो भी आप ऐतिहासिक पद्धति जो भी उपयोग में आप ला रहे हैं, तो उस व्यय के आधार पे आप जो तथ्यों को एकत्रित करने जा रहे हैं, जो चीज़ लिखने जा रहे हैं, जो चीज़ बताने जा रहे हैं, तो यह लागत पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है, सब चीज़ का लिमिटेशंस होता है। नंबर तीसरा चीज़ बता रहे हैं कि विषय का चुनाव कर लिए, लागत भी आप अपना अनुमान कर लिए कि हमको इतना 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में इतना खर्च करना है PhD करने में। अगर सोर्सेज मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर घर से भी लेकर के ही लोग पढ़ रहे हैं ना, घर से ही लेकर लोग खा रहा है, घर से ही लोग करके रह रहा है, तो सारा काम अब घर से डिपेंडेंट है। अगर फेलोशिप मिल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। अब इन सब चीज़ों के बाद अगला चरण क्या होता है कि तथ्यों का संकलन। देखिए यहाँ पे संकलन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब भी जब आप संकलन कर लेते हैं तथ्यों का, तो उसका श्रेणीकरण, वर्गीकरण बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्गीकरण इट मीन्स कि जब वर्गीकरण मतलब क्या होता है कि क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन आप कैसे करेंगे। मान लीजिए कि एक किसी चीज़, एक छोटा सा एग्जांपल है, किसी कॉलेज में 500 विद्यार्थी है, तो 500 विद्यार्थी का कहा जाए कि हाँ इसका रिजल्ट बना दो। अब 500 विद्यार्थी का एक ब्रेन, आप थोड़ा सा सोचिएगा कि हाँ 500 विद्यार्थी का रिजल्ट बनना है, तो रिजल्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो बनेगा कि किस विषय बार उसको बांटिएगा, विषय बार में भी रिजल्ट में एक पास कैटेगरी होगा, दूसरा फेल कैटेगरी भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो फेल पास का भी बनेगा। फिर पास कैटेगरी जो मतलब एग्ज़ाम पास किया, उसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, इस तरह से करके। तो कोई भी जो तथ्य आप लाए हैं या इकट्ठा किए हैं, जो भी सामग्री आपको मिला है, तो उसका क्लासिफिकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो एक दिन अगर स्टैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन का, बहुत जो भी स्टैटिक्स के छात्र होंगे या स्टैटिकल एनालिसिस करने जा रहे होंगे, डाटा इकट्ठा करते हैं, तो उस डाटा में क्लासिफिकेशन का बहुत मेजर रोल रहता है। जैसे फिलॉसफी के छात्र हैं, उन लोग जानते हों, जैसे अब कहते हैं ना कि इंडियन फिलॉसफी का क्लासिफिकेशन करो, कैसे करेंगे इंडियन फिलॉसफी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी कैसे करेंगे, फिलॉसफी के छात्र हैं कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए तो, कुछ एक्सप्लेन कीजिए। और कोई आप बताइए, आप भी दर्शन की छात्रा हैं। हाँ, थोड़ा और आप आगे चले गए, तो सबसे पहला काम आपको ही करना है कि इंडियन फिलॉसफी का क्लासिफिकेशन सिंपल है कि पहले आप जिसे नौ दर्शन, आप भी बताए नौ दर्शन, लेकिन उसको थोड़ा सा बांटना होगा आपको, जिसे एक वैदिक रिचुअल्स में जो मानता है एक, हाँ, ऑर्थोडॉक्स हो गया और हेट्रोडॉक्स हो गया, तो पहले तो दो कैटेगरी आपकी हैं, फिर ठीक है। अब दो कैटेगरीज करने के बाद दो भाग में बांटे, अब इस कैटेगरी में जो हेट्रोडॉक्स है या ऑर्थोडॉक्स है, तो हेट्रोडॉक्स में फिर 3 कैटेगरी आप बांटेंगे, चार्वाक, बौद्ध, जैन, फिर इधर आप बांटेंगे बाकी छः में भी आप थोड़ा सा ही एक चीज़ और क्लासिफाई करेंगे कि कौन ईश्वर को मानता है, कौन ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन ईश्वर पर नहीं जाइए, वेद पे ही मानिए, उसमें कर्म कांड कौन मानता है, ज्ञान कांड को कौन लेकर के चला है। तो इस तरह से आप अगर धीरे धीरे चीज़ों को देखते हैं, तो ऐसे वर्गीकृत करेंगे तो आपका एक एग्जैक्ट पॉइंट पर आपका
आकर के लिखे पढ़ना पड़े। जैसे सत्कारवाद मान लीजिए छोटा सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कॉजेशन, फिलॉसफी का ही वो लोग जानते होंगे। थ्योरी ऑफ कॉजेशन में दो भाग आ गया, एक सत्यकारवाद हो गया, दूसरा असत्यकारवाद हो गया। अब सत्यकारवाद मानने वाले कितने लोग हैं, असत्यकारवाद मानने वाले कितने लोग हैं, फिर उसमें जैसे जैसे जो जो फिलोसफिकल ग्रुप्स हैं, रामानुजाचार्य क्या मानते हैं, वेदांत क्या मानता है, ब्रह्म विवर्तवाद, रामानुजाचार्य ब्रह्म परिणामवाद, कुछ थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं इसलिए बता रहे हैं, कुल दर्शन के थोड़ा सा पढ़ लिए हैं हम भी। तो इस क्रम में बता रहे हैं कि इस तरह से आप उस चीज़ों को, जिसे ज्ञान मीमांसा बोले हैं, तत्व मीमांसा बोले हैं या आचार मीमांसा है, तो ज्ञान मीमांसा में भी कौन कौन आचार्य, जिसे बुद्धिज्म के जो छात्र हैं वो जानते होंगे कि ज्ञान मीमांसा में, बौद्ध दर्शन में ज्ञान मीमांसा किसके कौन संप्रदाय के अंतर्गत आ रहा है, किस संप्रदाय के अंतर्गत आता है ज्ञान मीमांसा, इपिस्टेमोलॉजी अंग्रेजी टर्म है, इपिस्टेमोलॉजी किस कैटेगरी में रखिएगा, कौन से महायान, हीनयान, थेरवाद, महासांघिक, महायान में आएगा ना, तो ठीक है। महायान में के जो आचार्य रहे हैं, आचार्य परंपरा जो लेटर के आचार्य हुए हैं, एक थे महायान में भी, एक थोड़ा अर्ली थे, थोड़ा लेटर वाले थे। तो लेटर वाले जो आचार्य, जो नालंदा आप देख रहे हैं ट्रेडिशन में, उसमें लेटर वाले आचार्यों का इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जैसे दिघनाग हैं, धर्मकीर्ति हैं, धर्मोत्तर हैं, तो इन लोगों का एक मेजर कंट्रीब्यूशन इपिस्टेमोलॉजी के क्षेत्र में रहा है। तो इस तरह से उसी समय, उस समय काल परिस्थिति में न्याय वैशेषिक दर्शन में कौन थे, उस समय आपके मीमांसक कौन आचार्य हुए थे, जिनके साथ इनका क्या वाद विवाद होता था, तब क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो आप किसी भी इम्पोर्टेंट जो आपका कोर्स है उसमें क्लासिफिकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आप बिना वर्गीकृत किए आप कोई भी ढांचा उठा लीजिए, कोई भी काम कर उठा लीजिए, उसमें इम्पोर्टेंट है। एक दिन होगा अगर समय मिलेगा तो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन पे हम लोग थोड़ा सा क्लास अलग से करेंगे, तो एक एक पॉइंट को लेकर के चलेंगे। एक दिन अगर और समय कहीं मिला तो एक ऑब्जर्वेशन पे क्लास लेंगे हम, माने हम अपनी बात हम कह रहे हैं, ये निरीक्षण पे कैसे आपकी सूक्ष्मता होनी चाहिए एक गहन और गूढ़ अन्वेषण करने के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। सब चीज़ का लिमिटेशंस होता है ना, है अब सर का भी गला है थोड़ा सा, तो हो सकता है। हाँ नहीं ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। असल में हम लोग माने बोलने का है, तो हो सकता है थोड़ा सा और आगे चला जाए। असल में कुछ कुछ और बाउंडेशन रहता है ना, 2:30 बजे के पहले थोड़ा लंच हो गया, उसके बाद कुछ और बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ कुछ और काम रहता है ना, एक असाइनमेंट एक समय, अभी फिक्स नहीं रहता है कि नहीं आपका, अभी लंच कर रहे थे सूचना मिली कि आप चले जाइए क्लास में, हम कहे चलिए हम आ गए क्लास करने। तो थोड़ा सा अगर प्रायर हम लोग इस चीज़ को बोले हैं, हालांकि 2-3 बार हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, तो कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। इसी क्रम में हम भी एक आ जाते हैं, बीच में से टपक जाते हैं, ठीक है। हाँ अब हो गया, वो चैप्टर बंद कीजिए अब आगे। हाँ हाँ वो तो जैसे आप जाइएगा वैसे आप देखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर वेदांत दर्शन को ही उठा लीजिए, वेदांत दर्शन को ही क्लासिफिकेशन अगर करते हैं मोटा मोटी, जो वादरायन का जो कौन सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है ना, तो उसी के आधार पे ना अद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, शुद्धाद्वैत है, सब आचार्य लोग अलग अलग हैं, सब लोग अलग अलग उसमें सिद्धांत दिए हैं ना, तो आप उसमें भी अलग से कर सकते हैं। समय काल परिस्थिति बता सकते हैं कि शंकराचार्य का कब कालक्रम रहा है, विशिष्ट रामानुजाचार्य का कब कालक्रम रहा है, बाधवाचार्य, तो कालक्रम तो दिखाना ही है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल बताए हैं कि ये तो बहुत ब्रॉडर है ना। अब इंडियन फिलॉसफी अगर सिंपल आप देख लीजिए, इपिस्टेमोलॉजी अगर उठाते हैं तो इपिस्टेमोलॉजी आप चार्वाक से शुरू करते हैं, तो चार्वाक का पूरा सिद्धांत ही इपिस्टेमोलॉजी पर आधारित है, बेस है इपिस्टेमोलॉजी पे, और उसी आधार पे उसने क्या किया है मेटाफिजिक्स में, गॉड को, सोल की सत्ता को, आत्मा की सत्ता को, या अब ईश्वर की सत्ता को, या जो भी अतिंद्रिय सत्ता है उसको निगेट किया है।
सिर्फ चार मैटर को माना है, क्योंकि ज्ञान मीमांसा के आधार पर सिर्फ उसी चार चीज़ों को वह जान पाता है। आप उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो बुद्धिज्म में आइएगा। बौद्ध दर्शन में जो ज्ञान मीमांसा है तो वहाँ एक प्रमाण को मान रहा है, यहाँ दो प्रमाण को मान लिया। थोड़ा सा और आगे आइएगा तो जैन दर्शन में तीन प्रमाण को माना जाता है, वहाँ भी आप तो पुरुष जो के रूप में महावीर को माना गया है। तो ऐसे तो न्याय दर्शन में आइएगा तो चार प्रमाण को माना जाता है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। फिर आइए आगे चल के वेदांत में तो छः छः आ जाता है, आठ आठ तक प्रमाण माना गया है। तो आप कैटेगराइज से किसी चीज़ को कर सकते हैं, तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आप डाटा इकट्ठा कर लिए, सब कुछ कर लिए, एज ए स्टैटिकली जब तक उसको आप एक कैटेगरी में नहीं रखिएगा तब तक आपके पास एक क्रमिकता होनी चाहिए। कहने का मतलब क्रमिकता के साथ आप उस चीज़ पर जब लिखने का प्रयास करेंगे तो आपका जो रिसर्च होगा, एज ए हिस्ट्री का कोई छात्र है, अगर वैदिक इतिहास, वैदिक सामाजिक स्थिति लिखना है तो पहले तो ऋग्वेद की स्थिति को लिखेगा ना, तब तो उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करेगा। ऋग्वेद में मान लीजिए सिर्फ सिंपल कहा जाए कि नहीं सिर्फ नारी मतलब स्त्री के बारे में लिखिए, स्त्री की दशा कैसी थी, शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, रहन सहन क्या था, खान पान या जो भी आचार व्यवहार, तो उस समय से उठाइएगा, फिर बाद में दूसरी चीज़ को लिखेंगे। तो यह तो क्रमिकता अपने हिसाब से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्लासीफाई करना है, तो यह कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा चीज़ है इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्टोरिकल मेथड, इम्पोर्टेंस ऑफ और सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्टोरिकल मेथड के बाद एक टॉपिक और हम लोग देखेंगे, लिमिटेशंस ऑफ हिस्टोरिकल मेथड। तो इम्पोर्टेंस थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या है, क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है, बताइए कुछ आप लोग, कुछ अपने अंदर से भी निकालिए चीज़ को। हम इसलिए चाहते हैं ये सेशन जो भी होगा, चूँकि आप लोग एज ए रिसर्चर हैं, आप लोग एज ए PhD छात्र हो गए हैं, तो आप लोगों की भी थिंकिंग पावर उतनी ही है जितनी की मेरी है, हो सकता है हमसे ज़्यादा भी हो किसी किसी का, ज़रूरी नहीं कि सर के पास ही थिंक। तो अपनी थिंकिंग पावर का भी इस्तेमाल कीजिए, जो चीज़ आप पढ़े हैं उस आधार पर बताइए थोड़ा सा कि क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है। नए सिद्धांतों की पुष्टि करना, एक एक करके हाँ बताइए। नए सिद्धांतों की पुष्टि करना और पुराने जो प्रमाणित रिसर्च है उन पर एक विश्लेषण करना और उसको जांचना और नए सिद्धांत। देखिए आप ठीक कुछ कुछ हद तक जा रहे हैं कि देखिए जो भी आप चीज़ महत्व आप जब बताते हैं तो इसकी सहायता से क्या होता है, ऐतिहासिक तथ्य को जो हम देखते हैं ऐतिहासिक पद्धति के हिसाब से, तो अतीत में जो घटनाएं घटी हैं, जो पास्ट में जो बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, तो पास्ट में बहुत सारे जो हैपनिंग हुआ है, बहुत सारी घटनाएं जो घट रही हैं, उसका जब आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा हमेशा ब्रेन में कि आपका रिसर्च साइंटिफिकली मेथड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अटकल पच्चू या अनुमान या पूर्वाग्रह इस तरह की बातों को लेकर के कुछ भी आप कह दें। आपका रिसर्च कैसा होना चाहिए, साइंटिफिकली बेस होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि वो प्रयोग विधि रसायन साथ फिजिक्स में जैसा होता है वैसा नहीं करना है, लेकिन आपका जो ऐसे ही होना चाहिए। तब वैज्ञानिक मूल्यांकन जब भी आप करेंगे तो जो अतीत में जो समाज में घटनाएँ घटी हैं, बहुत सारी प्रथाएँ हैं, बहुत सारे रीति रिवाज हैं, है ना, बहुत सारे आदर्श हैं जो उसको फॉलो आज भी किया जा रहा है उसी रूप में समाज में, तो वर्तमान समाज में जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो उस समय की जो चीज़ें हैं, उस तरह की जो इकाइयों हैं, उस तरह के संकलन हैं, तो असंख्यक तथ्यों और घटनाओं को सिर्फ एक इकाई नहीं मान लेना चाहिए, लेकिन उसको एक कड़ी के रूप में देखना चाहिए कि उस कड़ी से इस कड़ी तक जो एक तारतम्य बना हुआ है, क्रमिकता जो बना हुआ है, और उस आधार पर तो इसका इतिहास में जो घटनाएं घट गई वो तो घट गई, बहुत लोग कहते हैं वो तो बीत गया, उसके बारे में क्या जानना है, क्या समझना है, लेकिन हमको यह जरूर समझना पड़ता है, आवश्यक इसलिए है ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में कि उस समय का वैज्ञानिक मूल्यांकन करके जो चीज़ लिखा गया है, जो चीज़ तथ्य हमारे सामने समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसका क्या फिर हम लाभ ले सकते हैं, आगे हम अपने रिसर्च में क्या उसका उपयोग कर सकते हैं, और आने वाले जनरेशन के लिए आप लोग भी एक इतिहास बन जाएंगे एक न एक दिन, जो काम आप करके जाएंगे तो भी 5 साल 10 साल के बाद अगला जनरेशन उसको यूज करे, उस चीज़ को इतिहास बन जाएगा। ऐसा नहीं मतलब सब लोग जो उत्पन्न होता है वो विनष्ट होता है, इस संसार का नियम है, जो संसारिक जगत में प्रवेश किया है भव चक्र में आ गया तो वो समझिए कि वो प्रतिसम उत्पन्न चक्र से चलते रहता है, एवरी मोमेंट मैंने नथिंग इज परमानेंट, तो एवरी मोमेंट चेंज इज रियलिटी, फ्लक्स इज रियलिटी,
तो इसको हमेशा शरीर में सोच में बना के रखिए, तब क्या होगा, अटैचमेंट नहीं होगा। अटैचमेंट मतलब किसी, नहीं नहीं पॉजिटिव थिंकिंग आएगा उसमें, डिप्रेशन नहीं शिकार होइएगा उसमें। जब आप मान लीजिए अपने रूप के बारे में ही कोई सोच ले कि मैं तो बहुत रूपमान हूँ, अगर कोई मतलब बात कह रहे हैं कि मेरा यह, लेकिन वह भी छन छन नष्ट हो रहा है, वह उसका भी डिके हो रहा है, वह हर एक मोमेंट आपका वो क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। तो वह इस चीज़ पे अटैचमेंट कर लीजिए, तृष्णा जब कीजिएगा तो उससे क्या होगा, क्लेश बढ़ेगा, उसमें मोह बढ़ेगा, लोभ होगा, उसके प्रति द्वेष होगा, फिर दूसरे से द्वेष, क्लेश भाव, मतलब सिर्फ कुरीतियाँ ही कुरीतियाँ देखने को मिलेगी। जब उससे आप अटैच नहीं रहिएगा ना किसी चीज़ से, तब क्या होगा, आपका माइंड प्योर होगा और आपकी प्योरिटी बढ़ेगी और शुद्ध संकल्प आएगा, शुद्ध विचार आएगा, प्योर थॉट्स आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि उसको ठीक से नहीं रखना चाहिए, जो चीज़ शरीर भगवान दिए है बना करके, तो उसको भी ध्यान रखना उतना ही आपकी ज़रूरत है जितना कि इवन कि मैंने लड़की और महिलाएं के बारे में नहीं, पुरुष के बारे में भी। अब दाढ़ी बना के तुम रखे हो तो ठीक है, दाढ़ी बनाओ, लेकिन उसको भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई दाढ़ी मेरा शेप में चल रहा है कि बिना शेप में ही घूम रहा है। ठीक है, तो कहने का आशय ये है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी बात हो जाती है कि जो भी चीज़ें हैं उस पर अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ बना हुआ है उसके साथ आपकी प्योरिटी मेंटली, दिमागी रूप से आपकी विचार की शुद्धता बहुत आवश्यक है। तब जब विचार की शुद्धता होगी तब आपका एक्शन अच्छा होगा, गुड कर्म होगा। जब आपका गुड कर्म होगा, एक्शन अच्छा होगा, तो क्या होगा, उसका संस्कार अच्छा बनेगा। संस्कार जब अच्छा बनेगा तो यही जीवन लास्ट जीवन नहीं है, इसके बाद भी जीवन है। तो लाइफ और रीबर्थ, बर्थ और रीबर्थ का जो प्रोसेस है तब तक चलते रहता है कि जब तक व्यक्ति पूरी तरह निर्वाण, निर्वाण बुद्धिज्म के छात्र हम लोग हैं तो निर्वाण ही बोलेंगे, जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती है। ठीक है, निर्वाण वही है, मोक्ष वही है, अपवर्ग वही है, कैवल्य वही है, सब वही है कि दुख से निवृत्ति और संसार का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाना। तो यह जो प्रतीत समुत्पन्न चक्र है, तो अभी कहाँ से कहाँ हम लोग चले जाते हैं थोड़ा सा, चलिए अभी इसका इम्पोर्टेंस पे थोड़ा सा हम जब देख रहे हैं, तो पहली बात क्या आई कि ऐतिहासिक तथ्य से जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी अतीत में पास्ट में जो भी चीज़ व्यतीत हुआ है उसका वर्तमान से हम रिलेवेंट करते हुए हम देखते का प्रयास करते हैं कि जो रीति रिवाज है, परम्परा है, उस सब चीज़ों का हमको उससे महत्व मिलता है। सेकेंड थिंग्स है इसमें जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में, कि उस समय इस चीज़ को जानना जरूरी है कि उस समय क्यों और कैसे उस चीज़ का डेवलपमेंट होता है, और उसमें जो चेंज हो रहा है और जो ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन को ध्यान देना है कि जो समय काल परिस्थिति के हिसाब से उसमें चेंजेस हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, नया चीज़ फिर आ रहा है। आज जो जिस चीज़ की आवश्यकता है, हो सकता है 10 साल 100 साल के बाद इस चीज़ की आवश्यकता न हो, ट्रांसफॉर्मेशन उसमें नया नयापन आ रहा है। आप लोग अपने ही काल में देखिए, अपने चाइल्डहुड से अगर अभी इस एज में देखिएगा तो उस समय जिस चीज़ का यूज़ लगता था बहुत ज़्यादा है, उसका अब लगता होगा कि नहीं, उसका अब यूज़ नहीं है, लेकिन बेस का काम वही कर रहे हैं। पहले टेलीफोन था, जब उंगली से हम नंबर डायल हुआ तो हुआ करता था और रिसीवर लगा करके हेलो हाय हेलो होता था, तो उसके जब वो था तभी तो आज आ करके मोबाइल आया, मोबाइल के बाद और भी बहुत सारा कुछ आ गया। अभी तक खैर बहुत 4 साल 5 साल पुराना मोबाइल है, अब देखिएगा मोबाइल में भी कितना वर्जन आ गया, जो एकदम एक टच कीजिए अब बहुत सारा कुछ आपको तुरंत फ्लैश हो जाता है। तो हर एक चीज़ का एक समय काल परिस्थिति के हिसाब से चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। तो यह जब हिस्टोरिकल मेथड्स हम पढ़ते हैं तो चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन को हमको जानने में मदद मिलती है, उसका इम्पोर्टेंस इस सेंस में हम इसको लेकर के चलते हैं। अब इसका जो एक लास्ट पोर्शन हमारे पास आ रहा है वह है कि इसका लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशंस के पहले थोड़ा सा एक एक स्टेटमेंट आप लोग अगर लिखिएगा तो लिख लीजिए, जो इसका इम्पोर्टेंस वाले पार्ट में एक दो स्टेटमेंट है एन व्हाइटहेड का स्टेटमेंट है, एन तो ठीक है, ए डॉट एन व्हाइटहेड, WHIT व्हाइटहेड, HEAD
हेड, इनका स्टेटमेंट है कि ईच इमर्जिंग इज परसीव्ड एज कंटेनिंग विद इन इट्सेल्फ ऑल इट्स पास्ट एंड सीड्स ऑफ इट्स फ्यूचर. ईच इमर्जिंग इज परसीव्ड एज कंटेनिंग विद इन इट्सेल्फ ऑल इट्स पास्ट एंड सीड्स ऑफ इट्स फ्यूचर. मतलब इस चीज़ को समझे कि नहीं समझे आप लोग, जो भविष्य में क्या होगा उसकी बीज छुपी रहती है. जैसे मान लीजिए कि इसका हिंदी में लिख लीजिए फिर बताते हैं कि वर्तमान समय में उभरती हुई प्रत्येक चीज़ में उसके समस्त अतीत व उसके भविष्य का बीज छिपा होता है. एक और विद्वान कोई हैं, उन्होंने भी दिया है, उसका भी स्टेटमेंट अलग लिख लीजिए. एक और विद्वान बताते हैं कि अतीत, स्टेटमेंट नोट डाउन कर लीजिए, अतीत एक सरल सूत्र है जिसके आधार पर हमें अपने वर्तमान को भविष्य के उत्तर के लिए सुलझाना हो. इसका इंग्लिश में लिख लीजिए कि पास्ट इज अ सिंपल फॉर्मूला ऑन विच we have to solve our present for the answer of future. एक और विद्वान है, उनकी बात को लिख लीजिए, इसके इम्पोर्टेंस पहले पार्ट में ही, कि श्री बर्नार्ड सॉ ने सच ही कहा है कि अतीत यानी पास्ट समूह के पीछे नहीं होता. अतीत समूह के पीछे नहीं होता अपितु समूह के अंदर ही विद्यमान होता है. इसका इंग्लिश लिख लीजिए कि द पास्ट इज नॉट बिहाइंड द ग्रुप It is within the group. एक लास्ट में एक और इतिहासकार है, उनका स्टेटमेंट लिख लीजिए कि इतिहासकार श्री आर्थर स्लेसिंगर, स्पेलिंग बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए, आर्थर हो गया और स्लेसिंगर का स्पेलिंग है SCHLESINGER. उनका स्टेटमेंट है का भी निष्कर्ष यही है कि इतिहासकार श्री आर्थर स्लेसिंगर का भी निष्कर्ष यही है कि इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी सामाजिक वैज्ञानिक
कोई भी सामाजिक वैज्ञानिक अतीत के लंबे हाथ की बुद्धिमता पूर्वक अवहेलना नहीं करता। एक बार रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अथवा कोई भी सामाजिक वैज्ञानिक अतीत के लंबे हाथ की बुद्धिमता पूर्वक अवहेलना नहीं करता। उसके इंग्लिश में है, इंग्लिश स्टेटमेंट है सेम कि नो इंडिविजुअल कॉमा लेट अलोन अ सोशल साइंटिस्ट कॉमा कैन वाइजली इग्नोर द लॉन्ग आर्म ऑफ द पास्ट। इस बात से आप लोग भली भांति परिचित हो गए, मतलब समझ में आ गई बातें कि लॉन्ग आर्म मतलब तो उसके अतीत में जो घटनाएं घटी हैं वह एक बीज रूप में चीज है। उसी से तो अब मान लीजिए कोई बीज है तो बीज को यदि आप बोरे में बंद करके रख दीजिएगा, तो उससे कोई प्लांट निकलेगा? नहीं निकलेगा। बहुत सारा चीज बीज रूप में बंद है लाइब्रेरी में, उसको प्लांट बनाने के लिए क्या करता है, जो रिसर्चर की क्या भूमिका होती है, उस बीज को पल्लवित पुष्पित करने के लिए आपको अच्छा खेत तैयार करना होगा, मिट्टी तैयार करना होगा, उसमें पानी देना होगा, प्रॉपर सनलाइट मिलना है कि नहीं उसका ध्यान रखना होगा, ठीक है, फिर उसमें कितना ग्रो कर रहा है फिर उसको बचाना होगा। तो यह जो बीज रूप बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसको आप सीधे सीधे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इतिहास से बहुत सारी घटनाएं अतीत में जो घट गई हैं उससे आपको शिक्षा लेना है, उससे आपको चीज़ों को जब लेंगे तब जा कर के आप चर्चा करेंगे कि इसका लास्ट में लिमिटेशंस क्या। फिलॉसफी के छात्र आप आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, है बाल वाल पे हाथ दे रहे हो यार, या क्लास में क्यों नहीं आए हो? चौधरी जी क्या दिक्कत, आवाज नहीं आ रही है? अच्छा घर गए हो, अच्छा चलो ठीक है जहाँ रहो सुरक्षित रहो, ठीक है। अभी ऑफ कर लो माइक, म्यूट कर लो माइक। यहाँ अब लिमिटेशंस पे कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। लिमिटेशंस में जो पहला लिमिटेशंस क्या हो सकता है कि देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिए लिमिटेशंस। नंबर वन कि डिफ़िकल्टी इन द कलेक्शन ऑफ रिलायबल एंड एडिक्वेट डाटा, योर कनेक्शन लॉस्ट हो गया, लॉस्ट योर कनेक्शन। चलो आगे बैठो, आवाज कम हो गई, क्या हो गया? आवाज कम इसलिए उसके सुनाई नहीं दे रही थी ना, आवाज कम किए थे क्या? नहीं वो भूल गया था। अच्छा चलो, डिफ़िकल्टी इन द कलेक्शन ऑफ रिलायबल एंड एडिक्वेट डाटा, इसका हिंदी है कि विश्वसनीय व पर्याप्त तथ्यों के संकलन में कठिनाई। देखिए इसका लिमिटेशंस में जब आप जाइएगा तो सबसे पहली बात ये होती है तथ्यों के संकलन में कठिनाई। देखिए जब हम ज़्यादा सोचते हैं कि नहीं हमें प्राचीनता पे जाना है, जो प्राचीन काल में जो भी सोर्सेज है उस पर हमको जाना है, तो उसमें डिफ़िकल्टीज ये होता है कि आजकल बहुत सारे गिने चुने रह गए हैं, बहुत सारा चीज़ तो नष्ट हो गया है,
या पांडुलिपि में या बहुत सारा चीज़ अभी कुछ चीज़ बचाने का प्रयास किया जा रहा है, बट अभी भी उसका अभाव है। तो सबसे बड़ा डिफ़िकल्टीज़ क्या होता है, ऐतिहासिक पद्धति के जो लिमिटेशंस में हम लोग जनरली क्या होता है कि सेकेंडरी सोर्स पे ही ज़्यादा काम चल जाता है, लोग ओरिजिनलिटी पे जो जाना चाहिए वहाँ तक नहीं जा पाते। तो सबसे बड़ी बात यह एक समस्या उभर के आती है कि विश्वसनीय तथा पर्याप्त तथ्यों के संकलन में, लेकिन उसकी एक आवश्यकता है कि बिना प्राइमरी सोर्सेज पर गए आपका जो ओरिजिनल वर्क जो आप चाहिएगा जेन्युइनिटी वह नहीं आ पाएगा। आपको वहाँ पे जाने के लिए प्राइमरी सोर्सेज पे जाना बेस्ट माने पहली प्राथमिकता होनी चाहिए किसी भी एज ए रिसर्चर की, कि हमें प्राइमरी सोर्स को कलेक्ट करना ही करना है, चाहे इंडिया में या बाहर भी जाना पड़े तो जा सकते हैं। तो आप उस चीज़ को कलेक्ट कीजिए। इन भारत में बहुत जगह ऐसे चीज़ हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं, चीज़ों को कलेक्शन कर सकते हैं। तो कोर्स वर्क जैसे समाप्त हो तो अपने सुपरवाइजर और हेड से परमिशन लेते हुए आप लोग ये कोशिश कीजिए कि हमें ज़रूरी है जो चीज़ यहाँ मिल गया मिल गया। जो भी लाइब्रेरी है 2, 3, 4, 5 दिल्ली है, कलकत्ता है, पटना है, हम जा करके अपने रिसर्च से रिलेटेड जितना मैटर हो सकता है विश्वसनीय उसको कलेक्ट करें और ओरिजिनल चीज़ पर लेकर के आएँ। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, खैर बहुत सारा चीज़ आपको इंटरनेट पर भी मिल जाता है। अच्छा, जैसे आप लोग हैं जो बुद्धिजम कहते PTS वगैरह से रिलेटेड बहुत सारा जनरल से बहुत सारा सॉफ्ट कॉपी में जो चीज़ है आपको हार्ड कॉपी में नहीं मिलता है, तो इस चीज़ का भी एक लाभ है इंटरनेट के युग में। तो उसे लेकिन उस पर आपका बेस होना चाहिए किस पे, जो प्राइमरी सोर्स पे बेस हो। तो इसकी डिफ़िकल्टीज एक आती है सामने कि जो उसका डॉक्यूमेंट्स जो लिखा हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट्स पे जो ऑब्जर्व करके जो डाटा लिखे हैं, जो प्रेजेंट किए हैं, तो एज ए हिस्टोरियन उनका क्या अप्रोच रहा है। आज के डेट में देखिएगा कि हिस्ट्री भी नए सिरे से लिखा जाने लगा है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि अब उसको कहीं कहीं सरस्वतीकालीन सभ्यता भी कहा जाने लगा है। तो सिंधु सरस्वती के सेंस में लिया जा रहा है, क्योंकि नया खोज हुआ कि नहीं उसके नीचे पहले सरस्वती नदी का भी अब मैंने मिल रहा है कुछ डॉक्यूमेंट। यह जो डॉक्यूमेंट्स है कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि कुछ जो इतिहासकार बड़े बड़े इतिहासकार हैं उन्होंने अपनी वॉयस किसी न किसी पूर्वाग्रह या वॉयसनेस से भी बहुत सारी चीज़ों को लिख दिया और उसको लोग साक्ष्य के रूप में मान लेते हैं। तो हमें यह ऑब्जर्व करना है कि रियल में वह जो लिखा जा रहा है उसका जो लिटरली या आर्कियोलॉजिकल जो डॉक्यूमेंट्स है वह कितना हद तक सही है और कितना हद तक सही नहीं है। सेकेंड चीज़ क्या है, सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए कि डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ कीपिंग द रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड रखने के दोषपूर्ण तरीके, डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ कीपिंग KEEPING कीपिंग द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड रखने के दोषपूर्ण तरीके। देखिए यहाँ जब आप देखेंगे किसी भी बहुत सारे जो म्यूजियम्स है, बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है या हिस्टोरिकल जो जहाँ जहाँ चीज़ें मिलती है, तो वहाँ जो आप मैंने ऐसे इसको दूसरे रूप में मत लीजिएगा, एक सरकारी और गैर सरकारी संस्था सब है। तो सरकारी संस्था में बाबू लोग अरे क्या आप मतलब है कहीं रखा हुआ है किसी भी रूप में, उसको उसका महत्व नहीं पता है। एज ए आप रिसर्चर आपको ज़्यादा उस चीज़ के बारे में अगर खोजबीन करेंगे अरे वहाँ पड़ा हुआ है जाओ, उसका बेतरतीब ढंग से मिलेगा, कहीं डॉक्यूमेंट्स कुछ है कहीं क्या कहीं है, कहीं किताब कहीं है, कहीं कोई क्रमिकता नहीं दिखेगा। आप चले जाइए बाहर बाहर जहाँ जहाँ आपको डॉक्यूमेंटल प्रूफ दिखना है, तो जो आजकल भारतीय ऐतिहासिक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है तो उसमें भी बहुत सारे निकारानी लोग हैं। कुछ ऐसे लोग भी सही हैं कि काम करके गए हैं, लेकिन उसको भी व्यवस्थित रूप देना है तो वो भी नहीं दिए हैं। तो वहाँ पे हमें दोष मिलता है रिकॉर्ड रखने में, जो भी रखा गया है, जो चीज़ हमें फाइंड आउट जैसे होना चाहिए। आजकल तो इतना अच्छा सिस्टम अब कंप्यूटराइज सिस्टम अब दिल्ली में बहुत सारे जगह हो गया है कि एक बार आप सिर्फ डालिए लाइब्रेरी में जाके बैठिए, एक वर्ड डालिएगा कंप्यूटर में, आपके पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन लाइब्रेरी कौन किताब कहाँ पे किस टेबल किस रैक में है,
सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है ड्यू का या फिर और भी जगह जो भी चीज़ है तो वहाँ, लेकिन सभी जगह इसकी आवश्यकता है, होनी चाहिए, अपने यहाँ भी होनी चाहिए इस चीज़ की, कि एक बार हम अब दिन भर पता चले कि हम 2 घंटा क्लास करें, 4 घंटा लाइब्रेरी घूमें और पता चले कि कुछ मिला नहीं। तो ऐसा होना चाहिए कि सभी चीज़ आपको एकदम फाइंडिंग ऐसा हो व्यवस्थित तरीके से, तो रिकॉर्ड जो रखता है, जो उसका संचालन कर रहा है, 8-10 लोग लगे हुए हैं, तो उसको इस चीज़ की ध्यान रखना चाहिए। फिर तीसरी बात है कि डिस्पर्सल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डिस्पर्सल ऑफ डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या हुआ कि प्रलेखों का बिखराव, बिखराव हमें वही उसी बात को यहाँ कह रहा है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार है जिसे नेशनल आर्काइव जैसे संस्थान में, कहीं कहीं तो आपको मिल जाता है कुछ चीज़, लेकिन जो कठिन डॉक्यूमेंट्स हैं तो बहुत सारी चीज़ हैं, तो उसमें त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष दिखाई देता है। चौथा चीज़ हो गया नंबर फोर, वेरिफिकेशन एंड रिपीटेशन ऑफ द डाटा नॉट पॉसिबल। वेरिफिकेशन एंड रिपीटेशन ऑफ द डाटा नॉट पॉसिबल मतलब क्या हुआ कि तथ्यों या घटनाओं की परीक्षा वह पुनरावृत्ति संभव नहीं है। देखिए बहुत सारी चीज़ जो डॉक्यूमेंटल चीज़ बन गया है, बहुत सारा चीज़ प्रलेख जो ऐतिहासिक एक साक्ष्य बन गया है, तो उसको आप दोबारा चाहिएगा करना हो बहुत, तो ऐसा संभव नहीं है। उसको डॉक्यूमेंट्स को आप तथ्य को आप चाहिए कि नहीं उसकी हम पुनर्परीक्षा कर दें, पुनर्लिपिक कर दें, लिख दें, तो यह भी एक कठिनाई आती है। मान लीजिए कि बहुत सारे जो पिलर एडिक्ट अशोक के समय का या उसके बाद का लिखा हुआ है, वहाँ लोग जाता भी है, उसको पढ़ने का भी कोशिश करता है, ब्रह्मी में, क्रोष्टी में, बहुत सारे लिपि में लिखा हुआ है, तो हम उसको पढ़ते भी हैं, जानते भी, लेकिन उस साक्ष्य को जो लिख दिया गया है उस समय, उसके बाद उसको फिर उसमें मुश्किल ये आता है कि हूबहू उस चीज़ का डॉक्यूमेंट कैसे हम करें, तो उसकी पुनरावृत्ति आज के डेट में संभव नहीं है। लास्ट में है कि कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट नॉट पॉसिबल। हिंदी में लिख लीजिए, गणना और माप संभव नहीं है। देखिए बहुत सारे जो तथ्य होते हैं, ऐतिहासिक तथ्य, उसमें गुणात्मक तथा वर्णनात्मक होते हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव होते हैं। तो जब भी कोई चीज़ डिस्क्रिप्टिव होगा तो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ भ्रांत धारणा, कुछ ना कुछ पक्षपातपूर्ण विचार, कुछ ना कुछ आपको अतिरंजनाएँ, कुछ ना कुछ ऐसे ढकोसलापन थी, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो एज ए गुड रिसर्चर उसको आपको हूबहू लेकर के नहीं चलना है, आपको उसमें उसकी समीक्षा करनी है। तो ये सब कुछ लिमिटेशंस है, इन सब लिमिटेशंस को देखने के बाद हमें लगता है क्या है कि हमारा जो फाइंडिंग है वह सब्जेक्टिव जो फाइंडिंग होता है तो उससे हम यथार्थ तक नहीं पहुंच पाते। तो हमारा निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मतलब उसमें यथार्थता की झलक नज़दीक होनी चाहिए, तथ्य फैक्चुअल चीज़ ज़्यादा होना चाहिए, और जो फैक्ट आप लिख रहे हैं, दे रहे हैं, वह साइंटिफिकली मेथड को अकॉर्डिंग होना चाहिए, साइंटिफिकली उसका एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, फिर आज हम लोग यहीं विराम देते हैं। अटेंडेंस हो ही गया है सब लोग का कि क्या कुछ है? अटेंडेंस आज क्लास है क्या उनका? नहीं है।